अंदर आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत रस की परिभाषा, रस क्या होता है और रस के प्रकारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं रस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रस। तो रस पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रस की परिभाषा। रस क्या होता है? भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के लिए होता है। खाद्य पदार्थों और रसों, खाद्य पदार्थों फलों के क्षेत्र में रस मधुरतम तरल पदार्थ का द्योतक है और संगीत के क्षेत्र में कर्णेंद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद का नाम ही क्या है? रस। आध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को ही रस माना है या रस को ही परमात्मा घोषित किया? रसो वही सब अर्थात रस ही परमात्मा। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को ही रस की संज्ञा दी गई। काव्यानंद को ही क्या कहा गया? रस कहा गया। जब किसी चीज को देखने, सुनने, पढ़ने, बोलने से हमारे हृदय में, हमारे मन में जो एक आनंद प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं रस। रस के अवयव अथवा रस निष्पत्ति, स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर संचारी भावों से पुष्ट होता हुआ अनुभावों के माध्यम से व्यक्त होता है। जब प्राप्तगत स्थायी भाव की अनुभूति पाठक को होती है तो वही क्या है? रसानुभूति या रस निष्पत्ति। कई बार आता है पेपर पूछा जाता है कि रस निष्पत्ति क्या है, तो आपको ये बताना है रस निष्पत्ति की क्या होती है। ठीक है, फिर है अब यहाँ पर भरत मुनि ने कहा है, भरत मुनि के अनुसार क्या है? विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाग्र ग्राद्रस्य निष्पत्ति, भावों के उद्वेलन के लिए उसके चार अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यवचारी भाव। संचारी भाव को व्यवचारी भाव भी कहते हैं। अब पहला आते हैं नंबर पढ़ेंगे हम स्थायी भाव। मानव हृदय में वासना रूप में रहने वाले मनोविकारों को काव्य में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में स्थित रहते हैं, इसी कारण इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे प्रीति, हंसी, अरु, सो, उनी, रिस, उछाय, मैं भी, उछाय, भय, भित, घिन, विस्मय, थिर भाव, ए आठ बसे समझो। इन आठ स्थायी भावों के अतिरिक्त एक और स्थायी भाव है, वह है निर्वेग। इस प्रकार कुल मिलाकर निम्नलिखित नौ स्थायी भाव हैं जो रसों में इस प्रकार स्थित हैं। जैसे ये हो गया रस और ये हो गया इसके स्थायी भाव। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले दिया है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। करुण, इसका स्थायी भाव शोक। हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। वीर, इसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। भयानक का स्थायी भाव भय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। विवश का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेग या भयानक। आचार्यों ने एक रस और माना, इसको कहते हैं दसवां रस। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दसवां रस किसे कहा गया। ठीक है, तो दसवां रस किसको माना गया? वात्सल्य रस को माना गया, जिसका स्थायी भाव क्या होता? ममता और अब आएगा यहाँ पर संचारी भाव। भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने। कितने? 33 संचारी भाव माने, जो निम्नलिखित हैं: निर्वेद, ग्लानी, शंका, आयुषा, मद, श्रम, आलस्य, दैन्यम, चिंता, मोह, स्मृति, भीति, पीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्त, सुख के निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविहित, तथा उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण,
विकास आप यहाँ देखिए आ गया रस के प्रकार। सबसे पहला है श्रृंगार, परिभाषा। श्रृंगार का आधार क्या है? प्रेम भाव। और श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है, कई बार परीक्षा पूछा जाता है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार। इसमें नारी पुरुष के अनुराग का वर्णन आता है। इसके संयोग और वियोग के कारण दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। सबसे पहला आता है संयोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। आलंबन नायक या नायिका, उद्दीपन नायक या नायिका का मोहक रूप या एकांत नदी का किनारा चांदा फुलवारी आदि। अनुभव क्या है? अपलक निहारना, रोमांच दर्शन, स्पर्श स्वर भंग, हास्य कटाक्ष, संकेत मुस्काना आदि। अब आता है संचारी भाव, तो क्या आएगा? हर्ष संकोच आदि। उदाहरण देखिए यहाँ पर, राम को रूप निहार की जाने की कंकन के नग की परछाई या तो सदै सुध भूल गई कर टेक रही पर पल टारत नहीं। अब यहाँ देखिए स्थाई भाव क्या हो गया? रति। आश्रय कौन हुई? सीता जी। आलम्बन क्या है? राम। उद्दीपन राम जी का रूप। और अनुभव क्या है? रूप निहारना, सुधी भूल जाना, इतना सुंदर हो गया उनका। और संचारी भाव क्या है? सुधी भूलना। ये यहाँ पर हमने पहले पढ़ा श्रृंगार रस, ठीक। आप दूसरा पढ़ेंगे हम वियोग श्रृंगार। क्या पढ़ेंगे? वियोग श्रृंगार। उनका यह कुंज कुटीर वही झरना उरु अंशु अबीर जहां अली कोकिल तीर सीखी सब है सुन चाकत की कही पीर कहा अब भी सब साज समान वही तब भी सब आज अनाथ यहाँ सखी जा पहुंचे सुन संग वही यह अन्य सुगंध समीर स्थाई भाव है कुछ भारतीय है। आश्रय जो है सुधरा आलम है सिद्धार्थ है। उद्दीपन जो है वह कुंज कुटीर है, ठीक है ना। किरणे कोकिल भौरे पपिए की जो ध्वनि है। अनुभव विषाद भरे स्वर में कथन। संचारी भाव क्या? स्मृति वो विषाद और दूसरा रस हम पढ़ेंगे वह है करुण रस। परिभाषा क्या है? साहित्य के हृदय में शोक नामक स्थिर भाव का जब विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। कैसे? जा थल तीन बिहार अनेक अनखा थल का करी बैठी चुनी करे जा रसना तो करी बहु वातन ता रसना ते चरित भूमियों करे आलम जोन से कुंजन में कली केली तहां तब शीश भूमियों करे नैनन में जो सदा रहते तिन की अब कान कहानी सुनियो करे। तो आश्रय प्रियतमा आलम्बन प्रीमरण उद्दीपन दयनी दशा करुणा बिला अनुभव है अश्रु निश्वास प्रलाप संचारी भाव स्मृति दैन आवेश और विषाद। इसका दूसरा उदाहरण भी दिया गया। अब यहाँ पर आता है हास्य रस। कौन सा रस आएगा? हास्य रस। परिभाषा समझते हैं। साहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह हास्य रस। आप लोग एक बात ध्यान से समझें कि आप देख रहे हैं कि मैं जिस भी रस की परिभाषा भी आपको बता रही हूँ सब में सबसे पहले आपको उसका स्थायी भाव मालूम होना चाहिए तो अपने आप उस रस की आपको क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। चलिए इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो आराम करो आराम जिंदगी की कुंजी इससे ना तपेदिक होती है आराम सुधा की एक दिन तनका दुबलापन होती है आराम शब्द में राम छिपा जो भवंधन को खोता है आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है इसलिए मैं समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो आराम करो आराम करो यह हास्य रस। अब क्या पढ़ेंगे? वीर रस। क्या पढ़ेंगे? वीर रस। सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायीकरण का जब विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है। वीर रस में वीरता बलिदान राष्ट्रीयता जैसे सब गुणों का संचार होता है। दान दया धर्म
युद्ध एवं वीरता के भाव भी रस की विशेषताएं। सिंहासन हिंदू के राजवंशों ने गुप्त कहानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किस तरह रस का उदाहरण है? ये वीर रस का उदाहरण है। आप यहाँ देखिए भयानक रस परिभाषा, भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वह भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण देखिए, नव से झपटक बाज लती भूल्यो सकल प्रपंच और कंपति तन व्याकुल नयन लावक न्यूना रंज। ये हम जो पढ़ रहे हैं कि जब भय नामक स्थायी भाव का ठीक है तो भयानक रस का रूप जब ग्रहण कर लेते तो कौन सा रस होता? भयानक रस कहलाता है। अब है अद्भुत रस परिभाषा, विस्मय नामक अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या? विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर जिस भाव का उद्रेक होता है वह अद्भुत रस ग्रहण कर लेता है। विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर जिस भाव का उद्रेक होता है वह अद्भुत रस ग्रहण कर लेता है। वह कौन सा रस कहलाता है? अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण क्या है? अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मार, चकित भई गद गद वचन विकसित मृग उल्का। आप देखिए यहाँ पर है बीवत्स रस। कौन सा रस है? बीवत्स। परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा अर्थात घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह बीवत्स रस का रूप धारण कर लेता है। हृदय उदाहरण, सिर पर बैठो का आंख दो खाक निकालत खींचत जीव सियार अति आनंद और भारत बहु चीन नोच ले जात मोद बढ़ो सब कयो सब कौ हियो मनु ब्रह्म भोज जजमान को आग भिकारन का दी। अब यहाँ पर आता है शांत, इसकी परिभाषा समझिए। इसका स्थायी भाव है निर्वीर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वीर। सांसारिक सुख तथा देह की क्षण भंगुरता का ज्ञान संत समागम शास्त्र चिंतन योग आदि उसके बिना हो सब प्राणियों पर दया परमानंद की प्रभि से ममता और आप्त काम होकर असंग रहना इसके अलावा मति धृति और हर्ष आदि इसके क्या है? संचारी भाव है। उदाहरण क्या आएगा? मन रे परस हरि के चरण सुबह शीतल कमल कोमल त्रिपित ज्वाला भरण। अब यहाँ पर दिया हुआ है बात्सल्य रस। कौन सा रस? बात्सल्य। परिभाषा, सा हृदय के मन में बात्सल्य प्रेम नामक स्थायी भाव से जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव मिलते हैं तब वह वात्सल्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। वात्सल्य रस सहृदय के मन में वात्सल्य प्रेम नामक ममता है ना जो स्नेह का भाव से जब अनुभाव भाव संचारी भाव मिलते हैं तब वह क्या हो जाता है? वात्सल्य रस का रूप धारण कर लेता है। तो इसका उदाहरण क्या आएगा? बैठ सगुन मनावती माता कब एहे मेरे लाल कुशल घर कहो कार पूरी बाता दूध भात की दोनी गौ सोने चोंच मने हो जर सिय समेत बिलोगी है भर राम लखन और ले। यहाँ पर मैंने आपको रस रस के प्रकार पढ़ाए समझाए, आप इनकी परिभाषा इनके उदाहरण को और इनके स्थायी भावों को अच्छे से याद करेंगे कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।